नमस्कार, मेरा नाम आशीष झा है और आज हम एक स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर के अंदर में है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर जिसने पूरी दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड, सबसे ज़्यादा अंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड, आप जो चाहे कह सकते हैं इसको। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर जगह कुछ न कुछ बातचीत ज़रूर हो रही है। तो आज हमारी कोशिश है कि आप तक इस ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी को प्लेन एंड सिंपल तरीके से आपको पहुंचा सकें और आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखा सकें जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर के आप अपनी लाइफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैंने इंजीनियरिंग करी एक बहुत ही रेप्यूटेड प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मैंने, और उसी टाइम से मेरे सपने बहुत बड़े थे। मेरी इच्छा थी कि मैं भी कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप करूं, कोई बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप का वेंचर करूं, और इसीलिए मैंने इस बहुत ही ग्रोइंग फील्ड को चुना था। दोस्तों, मेरी नौकरी भी लगी, लेकिन उसके बाद मुझे मालूम चला कि MBA मास्टर्स इंटरनेशनल बिजनेस कर लेने से हो सकता है कि मेरी नौकरी का स्कोप और बड़ा हो जाए और मैं और बड़े पायदान पर नौकरी कर सकूँ। मैंने वही किया, मैंने एक और बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से MBA भी किया, MBA भी इंटरनेशनल बिजनेस में किया। उसके बाद एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑपरेशंस को देखा, पहले छोटे स्तर पर, फिर मिडिल लेवल स्तर पर, फिर बड़े पैमाने पर। द लास्ट जॉब दैट आई डिड फ्रेंड्स वॉज दैट ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों, 30 साल की उम्र में मैं फाइनली रिटायर हो पाया। आप पूछेंगे 30 साल की उम्र में रिटायर, आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ, लोग तो 60 साल में रिटायर होते हैं। दोस्तों, ये बात हैरानी की ज़रूर है लेकिन सच है, क्योंकि रिटायर होने का संबंध आपके सफ़ेद बालों से नहीं होता। रिटायर होने का संबंध आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हर महीने आते हैं या आप कितना फाइनेंशियली सिक्योर हैं, इस बात से होता है। और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक ऐसा शब्द है, इसी शब्द को मूल आधार बना करके आज हम लोग बात करेंगे। ये जो डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर है, जिसको हम दूसरे शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, इस सेक्टर के अंदर में आखिर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब मैं नौकरी कर रहा था उस वक्त मेरे पास में जो मेरी सैलरी थी वो अच्छी थी, डिसेंट थी, ऐसा नहीं कि मेरी सैलरी बुरी थी, लेकिन उस सैलरी को कमाने के लिए जो समय मैं दे रहा था वो बहुत ज़्यादा था। आई वॉज ट्रेडिंग अराउंड 10 to 12 आवर्स अ डे एवरी डे, और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट बिल्ड कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली उसकी ओनरशिप मेरी नहीं थी। आप ऐसा समझो कि रेंट के मकान में रह रहे हो और उस मकान को आप बार बार खूबसूरत करने की कोशिश कर रहे हो। आप कितना भी इसको खूबसूरत करो, अल्टीमेटली एक ना एक दिन उसकी ओनरशिप आपको नहीं मिल करके किसी और को मिल जानी है। यही सेम चीज़ हम लोग के साथ में लाइफ में भी होती है। थैंक गॉड, इस चीज़ को समझने का मुझे मौका मिला जब मेरी मुलाकात मेरे मेंटोर से हुई। मेरे मेंटोर भी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल थे, इनफैक्ट वो एक बहुत बड़े पायदान पर नौकरी कर चुके थे। उनसे मिलने के बाद में मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हुए, मुझे मालूम चला कि ज़िंदगी में हम जो इनकम कमाते हैं वो स्किल बेस्ड इनकम होती है। हम जो एडुकेशन लेते हैं, जो क्वालिफिकेशंस हमारी होती हैं और जिन चीज़ों को हम सीखते हैं, उससे हमारे पास में स्किल्स आती हैं। इन स्किल्स को हम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिज्यूमे के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ में एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, हमें एक एज एम्प्लॉई ले लेती है, हमें नौकरी देती है, या अगर नौकरी नहीं दे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एज अ प्रोफेशनल हमारे साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। और हमारे टाइम या मैन आवर्स को लगा करके उस स्किल को जब हम दिखाते हैं या परफॉर्म करते हैं तो हमारी इनकम बनती है। इसे कहते हैं परफॉर्मिंग इनकम। दुनिया में 90% लोग परफॉर्मिंग इनकम से अपने घर को चला रहे हैं। परफॉर्मिंग इनकम बहुत अच्छी इनकम है दोस्तों, लेकिन तब तक जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं। आप सोचो, सारी ज़िंदगी आपको किसी चीज़ के लिए परफॉर्म करना पड़े तो आप क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे? नहीं ना। लेकिन सच तो ये है कि नौकरी में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सारी ज़िंदगी परफॉर्म करना पड़ता है। आप सोचो कि हमारी ज़िंदगी में अप्लायंसेस, गैजेट्स और बहुत तरह की चीज़ें हम चाहते हैं ऑटोमेटिक हों। वॉशिंग मशीन मैनुअल से अच्छा ऑटोमेटिक, माइक्रोवेव ऑटोमेटिक, कंप्यूटर ऑटोमेटिक, लेकिन एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में है जिसको हम इनकम कहते हैं, वो ऑटोमेटिक नहीं है। उसके लिए हमें रोज़ स्ट्रगल करना पड़ता है, रोज़ दौड़ भाग करनी पड़ती है, रोज़ हमें बार बार जाकर के एवरी डे वी हैव टू पंच द क्लॉक। ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है कि हम लोग इनकम के साइंस को अप्लाई नहीं करते हैं। अगर इनकम के साइंस को अप्लाई करेंगे तो मालूम चलेगा कि इनकम भी ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपकी इनकम परफॉर्मिंग इनकम नहीं होकर के नॉन परफॉर्मिंग इनकम हो।
और नॉन परफॉर्मिंग इनकम दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीके से बनती है अगर आपके पास कोई एसेट हो। हम में से कितने लोग जानते हैं इस बात को कि अगर आपका घर मकान अपना खुद का है और उसको अगर आप रेंट पे लगा देते हैं तो उससे आपको एसेट बेस्ड कंटिन्यूअस इनकम आती है, फिर चाहे आप काम करें या नहीं करें वो इनकम आपको ज़रूर आएगी। इसी तरह की कुछ इनकम दोस्तों और बड़े पैमाने पर बहुत बढ़िया तरीके से जनरेट हो सकती है जिसको हम एसेट बेस्ड इनकम कहते हैं। इसी के बारे में मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया। मुझे ये एसेट बेस्ड इनकम का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने जानने के लिए अपने मेंटर को अप्रोच किया, लेकिन मालूम चला कि इस बात को सीखने के लिए मुझे अपने आप को बहुत बदलना होगा, मुझे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जहां पर मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि मैं डिजर्व करता हूं इस तरह के सिस्टम को अपने लिए बिल्ड करने के लिए, अपने मेंटर की कोचिंग के टाइम को डिजर्व करता हूं। थैंक गॉड मैं इस प्रोसेस को क्वालिफाई कर पाया, थैंक गॉड मैं डिजर्विंग कैंडिडेट बन पाया और मेरे मेंटर ने मुझे अपने विंग्स में ले लिया। उसके बाद फ्रेंड्स रेस्ट इज हिस्ट्री। 6 महीने से साल भर के पीरियड में मैंने अपनी एग्जिस्टिंग मल्टीनेशनल कंपनी के जॉब की सैलरी को रिप्लेस कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने और दूसरे जॉब में स्विच किया जिसका पैकेज और अच्छा था और उस जॉब को भी 4 सालों के अंदर में दोस्तों उसकी इनकम को रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि मैंने कितनी बड़ी इनकम बनाई, क्वेश्चन ये है कि मैंने उस इनकम को बनाने में क्या बनाया। हमें से मैक्सिमम लोग ज़िंदगी में मनी के लिए वर्क करते हैं, लेकिन सोचिए दोस्तों अगर मनी हमारे लिए वर्क करने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। हम लोग संसाधनों के दास नहीं हो सकते हैं, संसाधन हमारे लिए काम करें ऐसा होना चाहिए। इससे पहले कि मैं इस डिस्कशन को बहुत आगे लेकर के जाऊं, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इज द गोल ऑफ लाइफ टू मेक मनी? नो, राइट? द गोल ऑफ लाइफ इज टू हैव द रिसोर्सेज, जैसे मनी इज वन ऑफ द रिसोर्सेज, फूड इज वन ऑफ द रिसोर्सेज, टू हैव द रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प अस फुलफिल आवर लाइफ। हमारी जिंदगी को हम एक क्वांटम में डिफाइन करते हैं एंड दैट इज टाइम, समय। सब चीजें अनलिमिटेड है दुनिया में, लेकिन एक चीज लिमिटेड है, दैट इज टाइम। हम में से हर एक आदमी की एक लाइफ स्पैन होती है। इस लाइफ स्पैन का सबसे मेजर हिस्सा हम क्या करने बिताते हैं? जी हाँ, आपने राइट गेस किया, 20 साल की उम्र से लेकर के 60 साल तक की उम्र तक, कुछ लोग उसके आगे भी, अब कुछ लोग 20 साल से पहले भी जो पढ़ाई करते हैं अल्टीमेटली उसी के लिए करते हैं। किस लिए? ताकि हम काम कर सकें और काम करके क्या बना सके दोस्तों, इन शॉर्ट पैसा। आप इमेजिन करो अगर सुबह से लेकर शाम तक में आपको काम करना पड़े सिर्फ खाना खाने का, तो कितना बड़ा टाइम का वेस्टेज है। हाउ इज अ ह्यूमन बींग डिफरेंट फ्रॉम अ एलिफेंट? एग्जैक्टली दिस वे। प्रॉबेबली एलिफेंट को होल डे खाना खाने में या उन्हीं बेसिक प्रोसेसेस में गुजरना पड़ जाता है, लेकिन ह्यूमन बींग के पास जो टाइम होता है उस टाइम को बचाता है, जो प्रोसेसेस वो आउटसोर्स करता है उन प्रोसेसेस से उसका टाइम बच जाता है, जैसे खाना बनाने का टाइम, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का टाइम, इन सब चीज़ों में चाहता है कि एक फास्टर आउटपुट उसको मिले। यही सेम क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा दोस्तों कि इनकम के लिए भी, जो इनकम आपकी ज़िंदगी को रन करने के काम आएगी, उसको आप फास्टर आउटपुट में कैसे लेकर के आ सकते हैं। और फास्टर आउटपुट में लाने के लिए जैसे आप वर्क करते हैं, जैसे आपको एक एक्स आउटपुट मिलता है, आपको वर्क को मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको उससे बड़ा आउटपुट मिले। उदाहरण के तौर पे आप सिंपल तरीके समझिए, एक यूनिटरी मेथड का सवाल, अगर एक व्यक्ति एक काम को 100 दिनों में करेगा तो 10 व्यक्ति उसी काम को 10 दिनों में करेंगे और 100 व्यक्ति उसी काम को 1 दिन में करेंगे। अगर इस काम की जगह हम आपकी पूरी जिंदगी के इनकम बनाने के को लिख दें तो एक व्यक्ति 20 से लेकर 60 साल यानी 40 सालों में अगर एक्स इनकम, लेट्स से 5 करोड़ इनकम बनाता है, तो वही व्यक्ति अगर 10 लोगों की सहायता ले तो 4 सालों में वही इनकम बना लेगा और 100 लोगों की सहायता ले तो 0.4 ईयर्स बना लेगा। यही काम दुनिया के सबसे बड़े बड़े वेल्दी लोग करते हैं कि वो लोगों के टाइम को लेवरेज करते हैं अपनी इनकम को बनाने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी मेड के टाइम को लेवरेज करते हैं अपने बर्तनों को धुलवा देने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कूली के टाइम को लेवरेज करते हैं अपना सामान उठवा देने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी इलेक्ट्रिशियन के टाइम को लेवरेज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक कनेक्शंस को ठीक करा देने के लिए, वैसे ही आप लोगों के टाइम को लेवरेज कर सकते हैं अपनी इनकम को बड़ा कर देने के लिए। दोस्तों ये सीक्रेट ऑफ बिकमिंग वेल्दी बहुत सारी ऐसी बुक्स में अवेलेबल है जिसे हम गेटिंग वेल्दी बुक्स कहते हैं। इनमें से एक सबसे ज़्यादा बेहतरीन बुक है, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, इसने पूरी दुनिया भर में तहलका मचा दिया। पर्सनल फाइनेंस के बारे में इससे बेहतर दुनिया में कोई बुक नहीं दोस्तों।
इस बुक को मोर देन मिलियंस ऑफ कॉपीज में बांटा गया, कितने सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। क्यों? क्योंकि ये बर्निंग इशू है। हर घर के अंदर में अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा इशू है, सच्चाई भी यही है। चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे वो DM हों, चाहे वो घर के गृह मंत्री ही क्यों ना हो, सबके लिए अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। द नॉलेज ऑफ फाइनेंस, द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। हाउ कैन वी इग्नोर दिस सब्जेक्ट? बट अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारी प्रोफेशनल डिग्री में या हमारे जॉब में पैसे के बारे में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। ये बात दोस्तों जान करके मैं दंग हो गया कि मैंने MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसमें एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंस, बट वो फाइनेंस पर्सनल फाइनेंस नहीं होता है, वो फाइनेंस मैनेजेरियल फाइनेंस होता है, मैक्रो फाइनेंस होता है, कॉरपोरेट फाइनेंस होता है। लेकिन अपने घर का, होम का फाइनेंस कैसे देखेंगे दोस्तों, इसके बारे में कोई बताता नहीं। थैंक गॉड इस सिस्टम में आकर के इसके बारे में जानकारी मिली, प्रॉपर एजुकेशन मिला, और तब जाकर के समझ में बात आई एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क समझ में आया। क्या होती हैं एसेट्स, क्या होती हैं लाइबिलिटीज, किन चीज़ों के ऊपर निवेश करना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर नहीं करना चाहिए। और जब देखा दोस्तों तो मालूम चला कि एसेट उसको कहते हैं जिससे पैसे बनते हैं, और लाइबिलिटी उसको कहते हैं जिससे पैसे घटते हैं। आप गौर करो, जिंदगी में जो जो चीज़ों को हम खरीदते हैं एज मिडिल क्लास पीपल, वो चीज़ें एसेट होती हैं कि लाइबिलिटी होती हैं? खुद का घर, क्या उससे पैसे बनते हैं? कई लोग कहेंगे कि हाँ रेंट बनता है, लेकिन जितना रेंट आता है उससे कहीं ज़्यादा EMI जाता है। बीसियों सालों तक, तीसियों सालों तक हम लोग ज़्यादा EMI भरते हैं ताकि हम कम रेंट पा सकें। ये कैसा लॉजिक है? लुक एट ज्वेलरी, ज्वेलरी से कितने पैसे आते हैं? ओके, कार गैजेट्स ये तो खैर भूल ही जाइए, इनसे तो कोई पैसे नहीं आते हैं। यही कारण है कि हमारी सैलरी चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 3 लाख हो, जितनी भी हम सैलरी बनाते हैं उसको हम लाइबिलिटीज़ में खर्च करके अल्टीमेटली लूज़ कर जाते हैं। इसलिए हमेशा हम बिल्स ही भरते रह जाते हैं एज मिडिल क्लास। बट अगर आप रिच क्लास को देखिएगा, वेल्दी क्लास को देखिएगा, तो वो एसेट्स बनाता है, वो हमेशा एसेट्स बनाता है, और एसेट्स बार बार उसके पॉकेट को फीड करते हैं, इसलिए उसका वेल्थ मल्टीप्लाई करता चला जाता है। आप जानना चाहते हैं दुनिया का नंबर वन एसेट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एसेट, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है आपका खुद का बिजनेस, आपका खुद का व्यवसाय जिसको आप ओन करते हैं। अगर आप किसी व्यवसाय या बिजनेस को ओन नहीं करते हैं तो आपके वेल्दी होने के चांसेस बहुत कम है, या हो सकता है कि आप 1 जनरेशन वेल्दी होकर रह जाएं। इस बात को मैंने किताबों में सीखा, मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया, और उसके बाद मैंने अपने खुद के बिजनेस को बिल्ड करने का निर्णय लिया। चूंकि जब मैं नौकरी कर रहा था तो मेरे पास फुल टाइम अवेलेबल नहीं था, लेकिन निर्णय लेने के बाद दोस्तों कोई बात क्लियर हो जाती है उसके बाद बहाने खत्म जाते हैं। जब निर्णय लिया दोस्तों उसके बाद पार्ट टाइम का इस्तेमाल किया, बचे कुछ टाइम का इस्तेमाल किया और अपने बिजनेस को बिल्ड करने का निर्णय लिया। जब बिजनेस को बिल्ड करने गए तो मालूम चला कि दुनिया में जो बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस में हम लोगों के समय को लेवरेज करते हैं। आप देखिए जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, वो क्या करते हैं? उनके पास लाखों लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। अगर हम दिन भर में 10 घंटे काम करते हैं, महीने में 250 घंटे काम करते हैं, साल में 3000 घंटे काम करते हैं, पूरी जिंदगी में 1-1.5 लाख घंटे काम करते हैं, तो 1-1.5 लाख घंटे से पैसे बनाते हैं। टाटा के पास 1-1.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, 1 घंटा भी काम अगर हुआ पूरी ऑर्गेनाइजेशन का तो 1-1.5 लाख घंटे तो 1 घंटे में खत्म कर लिया उसने। कितना सिंपल था ये। लेकिन इस काम को करने के लिए इतने बड़े लोगों की जमायत को इकट्ठा करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं टाइम इज मनी, तो ये जो फॉर्मूला है ये लोगों को टाइम कंपाउंड करने का फॉर्मूला है। इफ़ यू वॉन्ट टू कंपाउंड मनी इन योर लाइफ, अगर आपको पैसों को कंपाउंड करना है तो आपको टाइम को कंपाउंड करना सीखना पड़ेगा। तो टाइम को कंपाउंड करने के लिए किसकी जरूरत है? हमें चाहिए लोग। लोग कहाँ से आएंगे? लोग आएंगे, लोग तो इस दुनिया में हैं, लेकिन लोग आएंगे जब आपके पास एक विजन होगा और उसको संबंधित एक प्लान होगा, तब आप लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। तो दरअसल ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग तब आता है जब आप समझते हो कि लोगों को रिक्रूट कैसे किया जाता है। हम स्टडी करते हैं कि लोगों का रिक्रूटमेंट आखिर हुआ कैसे। सबसे पहले अगर हम देखें तो टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो एम्प्लॉयर्स बने, उन्होंने लोगों को कैसे रिक्रूट किया? उन्होंने लोगों को रिक्रूट किया By becoming employee। उन्हें कहा कि आपको हम एक सिक्योर्ड फॉर्मेट में पैसा देंगे, आपको हम सैलरी देंगे, आप हमारे लिए एम्प्लॉय बन जाओ, अपने घंटे हमें दे दो। ठीक है जी, एक फार्मूला ये हुआ। उसके बाद दूसरा फार्मूला आया बाटा जैसे बिजनेस ओनर्स ने निकाला। उन्हें कहा कि हम आपको एम्प्लॉय नहीं बनाएंगे, आपके पास योग्यता क्या है वो हम चेक नहीं करने वाले, लेकिन कमिटमेंट है तो आपको हम अपना फ्रेंचाइजी बना सकते हैं, आपको अपना ब्रांड नेम दे सकते हैं, आप अपना ब्रांड नेम हमारा लेकर के काम कर सकते हो। उनको फ्रेंचाइजी बनाया, लेकिन फ्रेंचाइजीज के लिए भी एक स्टार्टअप कॉस्ट लगता था,
एक प्रेमाइसिस की जरूरत पड़ती थी, एक सर्टन डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस, एक सर्टन डिग्री ऑफ पेशेंस चाहिए होता था। उसके भी आगे निकल गए कुछ कंपनीज लाइक अमेजॉन। इंटरनेट आया, अमेजॉन ने कहा कि आपको स्टोर की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन मंडी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मंडी पर आओ, डायरेक्ट सेलर बन जाओ और अपना सामान बेचो। कई लोग सेलर बन गए। ऐसे वैसे व्यापारी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए, अमेजॉन आ गया, गोडैडी आ गया, ओएलएक्स आ गया, सभी लोगों पर काम खोलने लगा। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म आ गया, उसने कहा सेलर बनने की भी जरूरत नहीं, आप तो बस फ्रेंड बन जाओ, और वो प्लेटफॉर्म था फेसबुक। उसने कहा फ्रेंड बन जाओ, सभी लोग फ्रेंड बन गए, सब लोगों ने अपनी पूरी लाइफ को पोस्ट करना शुरू कर दिया, और उसी लाइफ को पोस्ट करने के क्रम में कब हम लोग फेसबुक के लिए रीएजेंट्स बन गए हमें पता भी नहीं चला। क्या आपको मालूम है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपने फ्री में ज्वाइन किया, आपके फ्रेंड्स ने फ्री में ज्वाइन किया, तो फेसबुक का मालिक मल्टा बिलियनर कैसे बन गया? यस, यू गेस्ट इट राइट, क्योंकि आपने उसको अपना नेटवर्क दे दिया। क्या आपको पता है कि पर यूजर जो हम उसको देते हैं, या पर यूजर ऑन फेसबुक, फेसबुक मेक्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पर मंथ। आप सोचिए कितनी बड़ी इनकम है। इसका मतलब कि अगर 100 यूजर्स आपके फेसबुक पर हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, 1,00,000 रुपए आपके नेटवर्क से फेसबुक को इनकम जा रही है। कैन यू बिलीव इट? इतनी बड़ी इनकम आप एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो क्योंकि आपके पास एक नेटवर्क है। आपके पास क्या आ रहा है देखो, और ये बातें हमें किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इन बातों के लिए हमें बुक स्मार्ट नहीं होना है, हमें स्ट्रीट स्मार्ट होना है। ये बात सही है कि किताबों से जो नॉलेज मिलती है इससे आप प्रोफेशनल बन सकते हो, लेकिन अगर आपको रियल में बिजनेस ओनर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको फील्ड में, मार्केट में, दुनिया में जाकर के झांक के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम है कहां। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि वाकई में ये सोशल नेटवर्क या फ्रेंड बनाकर के लोगों को रिक्रूट करने का जो फॉर्मूला था, उसका भी अगर एक लेवल आप आगे चले जाते हैं तो लोगों को बिजनेस फ्रेंड भी बना सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को आप प्यार से बोल सकते हैं कि हे वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स विथ मी, वैसे आप किसी को प्यार से भी बोल सकते हैं हे वुड यू लाइक टू डू बिजनेस विथ मी, क्या आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे, क्या आप मेरे साथ एक जबरदस्त प्लान देखना चाहोगे, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने में इंटरेस्टेड हो, क्या आप भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, क्या आप ओपन माइंडेड हो, क्या आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम लेकर के आना चाहते हो। आप ये पूछ सकते हैं लोगों से, आपको ये अधिकार है। जैसे आज भारतवर्ष में सबको वोट का अधिकार है, वैसे ही भारतवर्ष में ही क्या पूरी दुनिया में सबको नोट का भी अधिकार है। और ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास में दुनिया के सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, या जिसको मैं बिजनेस बिल्ड करता हूं, उसमें से एक सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एमवे कॉरपोरेशन लेकर के आती है। जी हां, एमवे, आपने सही सुना, एमवे, ये नाम तो सुना ही होगा आपने, राइट? हाँ, मैंने भी सुना था। मैंने एमवे का नाम कहाँ सुना था? मैंने अपनी मार्केटिंग की किताब में, फिलिप कोटलर एक बहुत बड़े मार्केटिंग गुरु माने जाते हैं, उनकी किताब में तीसरा चौथा एग्जांपल कोक, नाइकी, पेप्सी, एमवे। तो मुझे इस ब्रांड के बारे में जानकारी पहले से थी, लेकिन इसके अंदर छिपी हुई अपॉर्चुनिटी क्या थी ये मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो मेरे पास में कुछ रूडिमेंट्री आइडियाज़ थे कि एमवे का मतलब कुछ सोप सेलिंग बॉक्सेस होंगे जिसको कुछ आंटियां डिस्ट्रीब्यूट कर रही होंगी। कई लोगों को ऐसे अनुभव हुए होंगे। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म, उतनी तरह की कहानियाँ। आप गूगल को ही देख लो ना, गूगल पर आपको गार्बेज भी मिलेगा, गूगल पर आपको सही चीज़ें भी मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि गूगल छोटी मोटी चीज़ है, गूगल बहुत बड़ी चीज़ है। उसी प्रकार से एमवे चूंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगी, फेलियर स्टोरीज भी मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि एमवे में कहीं कोई कमी है, एमवे अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सच बताऊं तो एमवे क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पर सब तरह की गाड़ियां लग सकती हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि एमवे कितना बड़ा है, क्वेश्चन ये है कि एमवे को यूज करके आप कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हो। जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा, उतना बड़ा बिजनेस आपका बिल्ड हो जाएगा। उसी फेसबुक पर किसी के 5,000 फ्रेंड्स हैं, उसी फेसबुक पर किसी के 5 फ्रेंड्स हैं, उसी फेसबुक पर कोई लोगों के कल्याण करने के लिए काम कर रहा है, उसी फेसबुक पर कोई आदमी विलेन बनकर के या टेररिज्म की एक्टिविटी कर रहा है। तो फेसबुक सही और गलत नहीं हो सकता है। फेसबुक और एमवे और गूगल, ये सब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओके? और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका ओपन माइंडेड होना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझना। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज $8.6 बिलियन इन टर्नओवर, हजारों करोड़ की कंपनी है ये, आप सोच सकते हो। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर देन 100 कंट्रीज, 100 देशों में इसका एक्सपीरियंस है, 60 साल से काम कर रही है, मोर देन 450 प्रोडक्ट्स ये लोग खुद बनाते हैं, इनके अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर में हॉल ऑफ फेम में रजिस्टर्ड है ये।
1150 से ऊपर प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स हैं इनके पास में। आप सोचो, इनकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। आप सोचो, दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोनसेस डिस्ट्रीब्यूट करने वाली डायरेक्ट सेलिंग की ये सबसे बड़ी और सबसे पहली कंपनी है। आप सोचो, इसकी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे आपको फिनोमिनल मिलेंगे कि आप प्राउड फील करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक हिस्ट्री है, क्रेडिबिलिटी है, जिसके पास में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कमिटेड है फॉर द लास्ट 60 इयर्स टू डिलीवर द बेस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका रेप्यूटेशन वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। दोस्तों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी देती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि टाइम, स्पेस और इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें फ्लेक्सिबल है इसमें। आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे कर सकते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। आप इसमें लो से लो इन्वेस्टमेंट भी सोच सकते हैं और एक डिसेंट साइज इन्वेस्टमेंट भी सोच सकते हैं। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत यूनिक है। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आखिर ये अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सिंपल सी बात को समझो। आप अपनी चारों तरफ नज़र घुमा के देखो, दुनिया भर में हर घर में एक एंटिटी जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है कंज्यूमरिज्म। हर व्यक्ति ग्राहक है, बच्चा पैदा होने से पहले और आदमी मरने के बाद तक खर्च करवाता है। आप सोचिए, और इस ग्राहकी में या कंज्यूमरिज्म में सबसे ज़्यादा खर्च अगर किसी चीज़ में होता है तो वो है डेली नीड्स। ओके, या मैं दूसरे शब्दों में आपसे सवाल पूछता हूँ, हम में से हर एक आदमी आज के डेट में स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। स्मार्टफोन के अंदर में एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन से हम शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, शॉपिंग करके हम अपने घर में क्या आइटम्स लेकर के आते हैं? यस, यूजुअली गैजेट्स, कपड़े, एक्सेसरीज, ओके, कुछ यू नो हैंडी मटेरियल्स जो हमें चाहिए होते हैं। आप सोचो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों से मंगवाते हैं जिन चीज़ों को हमें ट्राई करके लेना चाहिए, बट हमें ट्रस्ट है कि हम लेते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अगर आपकी डेली नीड्स, जिनको आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हो, जिनको बहुत ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जो एवरेज कंजम्पशन आप करोगे ही करोगे, वो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल जाए, या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी चलेगा, या एप्लीकेशन से मिल जाए, और ये एप्लीकेशन आपको शॉपिंग करने के पैसे भी दे, तो कैसा रहेगा दोस्तों? यस, यू गेस इट राइट, दिस इज द मैजिक ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म आपके घर में, आपके डोरस्टेप पर आपके जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचाता है, और साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर इन प्रोडक्ट्स को आप अपने आसपास के लोगों को रेफर करते हो, आप लोगों को बताते हो, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनको डाउनलोड करके सिखाते हो कि वो आपको कैसे यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि आपको इतने कमीशन्स, इतने इंसेंटिव्स बने कि आपके घर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री हो जाए। और अगर आप उसको सीरियसली बिल्ड करना चाहते हो तो आपको इसमें और अच्छा पैसा जनरेट हो सकता है। मैं आपको एक जेन्युइन बॉल पार्क फिगर देता हूं। आप सोचो कि एक घर के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, डेली नीड्स का जो पोर्टफोलियो है, आप समझने की कोशिश करो, पोर्टफोलियो, पर्सनल केयर, होम केयर, पर्सनल केयर में क्या आता है? साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, होम केयर, डिटर्जेंट्स, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, कार क्लीनर्स, ग्लास क्लीनर्स, सो मेनी प्रोडक्ट्स। न्यूट्रिशन, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग यू नो पोर्टफोलियो, आज के डेट में न्यूट्रिशन और वेलनेस के प्रोडक्ट्स हर एक घर के अंदर में एंटर कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन में इनका जो ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, वो पायनियर है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब घर की रिक्वायरमेंट्स बन चुकी है। और एक और बहुत ग्रोइंग सेगमेंट है, एंड दैट इज यू कैन से कॉस्मेटिक्स और यू कैन से ब्यूटी कैटेगरी। ब्यूटी कैटेगरी के अंदर में हमारे पास दो दो ब्रांड्स हैं, एटीट्यूड है, आर्टिस्ट्री है, एक प्रीमियम सेगमेंट का है और एक सुपर प्रीमियम सेगमेंट का है। अगर इन चारों कैटेगरीज को मिला लिया जाए तो एक घर के अंदर एवरेज हाउस होल्ड की जो एक्सपेंडिचर है, अगर इंडिया की बात करें तो बिटवीन 2,000 to 5,000 अज्यूम कर सकते हैं। अगर एक घर की एक्सपेंडिचर 2,000 से 5,000 के बीच में हो रही है तो उसमें डेफिनेटली सारा का सारा पैसा मैन्युफैक्चरर के पास तो नहीं जा रहा है। अगर आप प्लॉट करेंगे तो कस्टमर अगर 100 रुपीस खर्च करता है तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर 20 to 40 रुपीस ही अपने पास लेकर जाता है। बीच का जो 60 से 80 रुपये मार्जिन है ना, वो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट और सबसे बड़ी बात एडवर्टाइजर्स। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धोनी साहब अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल करके भी प्रचार करने के लिए आते हैं। क्यों? फ्री में नहीं, उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं? कंज्यूमर से। ये वही बीच का पैसा है,
अगर इस पैसे में फिल्म कलाकारों को इंटरेस्ट है तो हमको और आपको क्यों नहीं दोस्तों। ज़रा सोचिए दोस्तों, इस बड़े पोटेंशियल को इमेजिन कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वॉलमार्ट क्यों है, अमेजॉन क्यों है? क्योंकि ये कंज्यूमर्स को फीड करते हैं, कंज्यूमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो मैन्युफैक्चरर से उठा करके आप तक पहुंचा देते हैं। ये सब डायरेक्ट सेलर्स हैं और इन्हीं तरह से डायरेक्ट सेलर्स में आप भी डायरेक्ट सेलर बन सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करने के लिए या तो स्टोर मार्केटिंग हो सकती है, या तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो सकती है, या तीसरा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कितने सारे प्रोफेशनल्स पैदा हो रहे हैं, कितने सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग पैदा हो रहे हैं, कितने सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पैदा हो रहे हैं, कितने सारे मिलियनर्स पैदा हो रहे हैं, कितने सारे फ्यूचर मल्टा मिलियनर्स पैदा हो रहे हैं, आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। बहुत बड़ी रिपोर्ट्स हैं KPMG की जो कहती हैं कि साल 2025 तक में डायरेक्ट सेलिंग धमाकेदार हो जाएगा इंडिया के अंदर में। बहुत सारे आंकड़े हैं, आप जाकर के इंटरनेट पर और चेक कर सकते हैं। इस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं दोस्तों। आप सोचो अगर एक घर का कंजम्पशन 2000 से 5000 है दोस्तों, तो 10 घरों का कंजम्पशन 20000 से 50000, 100 घरों का कंजम्पशन 2 लाख से 5 लाख, 1000 घरों का कंजम्पशन 20 लाख से 50 लाख, 10000 घरों का कंजम्पशन 2 करोड़ से 5 करोड़, 1 लाख घरों का कंजम्पशन which is not even 1% of the total population of India, not even 0.01% rather. आप सोचिए 1 लाख घरों का कंजम्पशन दोस्तों 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक, 20 करोड़ से 50 करोड़ का टर्नओवर मंथली, मतलब आप एक बड़ी इंडस्ट्री बन गए। एक कंप्लीट प्लान है जिसके तहत आपको पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत की, आपको एक लाइसेंस मिला, लाइसेंस लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, रजिस्टर करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते और आप कहलाते हैं एमवे बिजनेस ओनर। ओके, ये जो लाइसेंस आपको मिलता है, इस लाइसेंस के लिए आपके KYC डॉक्यूमेंट्स, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये काफी है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद में आपको मौका मिलता है कि आप अपने घर के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। और अगर अपने घर के प्रोडक्ट्स आप 5000 रुपए के लॉट में खरीदेंगे तो आपको फर्स्ट परचेज ऑफर 1100-1200 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। ये 30 दिनों के अंदर में आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। अगर आप 60 दिनों के अंदर में दूसरा ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो फिर से 5000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आपको फिर से 1100-1100 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। ये किस लिए? ये आपके लिए वेलकम ऑफर्स हैं, इन्हें हम फर्स्ट परचेज ऑफर और सेकंड परचेज ऑफर भी बोलते हैं, इसलिए ताकि आप अपने बिजनेस की अच्छी शुरुआत कर सकें। अगर इसी क्वांटम को आप 10000 के लॉट में लेते हैं तो ठीक डबल वैल्यू के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, यानी कि कंपनी आपको शुरुआत से ही सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो सेकेंड बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है दोस्तों, वो छुपी है कस्टमर बनाने में। जब आप कस्टमर्स को रजिस्टर करते हैं, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो चाहेंगे कि उनके पास में जो भी सर्विस या जिस भी मेथड से वो अपने घर का सामान ले रहे हैं उसे एक बेटर मेथड आप दे सकें, आप एक्सटेंडेड सर्विस उनको दे सकें, आप उनको बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकें और उनको एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकें, ऐसे लोग आपके कस्टमर बन जाते हैं। आप सोचिए अगर ऐसे 10 से 20 लोग आपके कस्टमर बन जाते हैं तो बिटवीन 2000 टू 5000 अगर हम लेके चलें तो मोटा मोटा 50000 रुपये का टर्नओवर आपका महीने का थ्रू कस्टमर्स होने लगा। इन्हें हम प्रेफर्ड कस्टमर्स भी बोलते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, ये खुद ही उस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपना सामान मंगवा सकते हैं, इनके पास अपना खुद का कोड होता है, इनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर आपके ऐसे 10 से 20 प्रेफर्ड कस्टमर हो गए, आपका खुद का टर्नओवर 50000 रुपये महीने का हो गया। आपको बेनिफिट कैसे होता है? एक ट्रेड डिस्काउंट कंपोनेंट आपको मिलता है जो फिक्स्ड होता है, लगभग 8% आप इसको मान लीजिए। 50000 का टर्नओवर आपने किया, 8% आपके अकाउंट में आ गया, 4000 रुपीज़, यानी कि आपके घर का जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट फ्री। इसके अलावा एक सेकेंड कंपोनेंट होता है जिसको हम 6-21% डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव बोलते हैं। ये क्यों होता है? जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम उतना बड़ा इंसेंटिव। ये वेरिएबल होता है, सबसे पहला लेयर 10000, उस पर 6%, दूसरा लेयर 50000, उस पर 9%, तीसरा लेयर 1,20,000, उस पर 11%, चौथा लेयर 2,40,000, उस पर 13%, पांचवा लेयर 4,00,000, उस पर 15%, छठा लेयर 7,00,000, उस पर 18%, और सातवां लेयर 10,00,000, उस पर 21% तक आपको मिलता है दोस्तों। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव स्लैब देखा दोस्तों आपने, ये कंपनी बेसिकली पॉइंट्स टेबल के अनुसार बनाती है, क्योंकि एमवे 100 कंट्रीज में है, हर कंट्री में करेंसी अलग अलग है, इसलिए उन्होंने एक पॉइंट सिस्टम बनाया। और इंडिया के अंदर में 1 point = 80 rupees होता है, उसके ऊपर टैक्स और कैशबैक कंपोनेंट जोड़ेंगे तो हम लोग को परचेज के लिए मोटा मोटा 100 rupees लगता है, यानी कि 100 points से लेकर के 10,000 points तक का पूरा स्लैब बना हुआ है। इसको और डिटेल में आप समझ सकते हैं अगर आप कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को अप्रोच करेंगे या सीधा कॉरपोरेशन को भी अप्रोच कर सकते हैं।
अब आप मोटा मोटा समझिए कि 50,000 का बिजनेस जब आपने किया तो 8% आपको ट्रेड डिस्काउंट तो मिला क्योंकि ये बिजनेस आपने अपने पर्सनल वॉल्यूम पर किया है। इसके साथ साथ में आप एलिजिबल हैं 9% डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव के लिए भी, यानी कि 4,000 और 4,500 रुपये, 85,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। आप सोचो दोस्तों, आपने कुछ नहीं किया, आपने लोग जो खरीदारी कर रहे थे उनको खरीदारी करने का एक नया तरीका सिखाया और उस नए तरीकों को जब उन लोगों ने एम्ब्रेस किया, जब उन लोगों ने उसको अपनाया तो आपके पास 8,500 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए। अब ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगेगी, ये एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगेगा तो नेचुरली आप क्या करेंगे, आप इसको प्रमोट करेंगे। लेकिन इसको प्रमोट करने का तरीका क्या है, यू हैव टू बी अ गुड रिक्रूटर। आपको अच्छा रिक्रूटर बनना है और अच्छा रिक्रूटर वही होता है जो लोगों को ठीक से शॉर्टलिस्ट करता है। तो यूजुअली जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं वो ये होता है कि हम लोगों को इस चीज़ को शेयर करते हैं बट इसको सेल करने की कोशिश नहीं करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को किसी को हम ओवरलोड नहीं करते हैं, हम लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं कि हे, देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, एक डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर में बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है, वी आर वर्किंग विद अ टीम ऑफ फिनोमिनल सक्सेसफुल पीपल, दे आर कोचिंग अस, वो हमें सिखा रहे हैं और इससे हमारे अच्छे पैसे भी बन रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। थैंकफुली अभी कुछ वैकेंसी हमारे पास में है, थैंकफुली हमारे पास में कुछ स्लॉट्स खाली हैं क्योंकि अभी हम एक्सपेंड कर रहे हैं और हम कुछ एम्बिशियस और शार्प लोगों को ढूंढ रहे हैं। क्या आप भी ओपन माइंडेड हो? वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर? क्या आप जाना चाहोगे इसके बारे में? अगर हाँ तो आप इस स्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम बैठ करके आपको इवैल्यूएट करेंगे, हम कोई कमिटमेंट कर नहीं सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, एक स्लॉट के लिए कम से कम 10 से 15 लोगों को इंटरव्यू कीजिए और उसमें से जो बेस्ट पर्सन्स लगे उनको अपनी टीम में शामिल कीजिए। आप लुक एट इंडियन क्रिकेट टीम, बेस्ट पीपल हैव टू कम इन। लुक एट फुटबॉल टीम, बेस्ट पीपल हैव टू कम इन। अपनी टीम में भी बेस्ट लोगों को लेकर के आइए क्योंकि इन लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, आपको उनको टाइम देना है, सिखाना है, कोचिंग देनी है और इन लोगों को आप बिजनेस बिल्ड करना सिखाइए। आप एवरेज लेके चलो कि आपने 10 लोगों को अपनी टीम में ले लिया, राइट? और इन 10 लोगों को समय के साथ 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में वही वॉल्यूम करना सिखाया जो वॉल्यूम आपने सीखा 50,000 रुपये का, करेक्ट? आप 50,000 का वॉल्यूम कर रहे हो, ये भी 50,000 का वॉल्यूम कर रहे हैं, ऐसे 10 लोग हैं, टोटल वॉल्यूम 5,00,000 रुपया टीम से, 50,000 रुपया आपकी वजह से। अगर अपना लेवल देखोगे आप डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव में तो 15% क्रॉस कर गए और 50,000 वाले 9% क्रॉस कर गए। अब आप 5,50,000 पर हो, 15% पर, आपके जो टीममेट हैं वो 50,000 पर हैं, 9% पर, तो 5,50,000 में 15% आपको मिलेगा और इनको 9% मिलेगा। डिफरेंस जो है, चूंकि 9% वो ले गए तो डिफरेंस 6% आपको मिलेगा। 50,000 का 6%, ऐसे 10 50,000, यानी 5,00,000 का 6%, यानी 30,000 रुपये आपको टीम की वजह से मिलेगा। अपने पैसे 50,000 का फुल 15%, यानी कि 7,500 रुपये, ओके, 30,000 और 7,500 रुपये, और प्लस आपके 50,000 का आपको ट्रेड डिस्काउंट जो फिक्स था वो भी मिलेगा आपको, ओके, यानी 30,000 प्लस 7,500 रुपये और प्लस 4,000 रुपये, मोटा मोटा 41,500 रुपीज़ इनकम। कैसी इनकम है दोस्तों, अच्छी है ना? रेगुलर आए, कंसिस्टेंटली आए और आपकी सैलरी, प्रोफेशनल इनकम या मे बी नो इनकम से अलावा, यानी एक्स्ट्रा होकर के आए तो कितना मज़ा आएगा। और यहीं पर कहानी रुकती नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो 10 लोग हैं ये आपको वॉच कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप अच्छी इनकम कमा रहे हो। अब इन्हीं 10 लोगों को आप फर्दर उनकी टीम बनाना सिखाओगे, यानी उनको भी 10-10 की टीम सिखाओगे, तो उनको भी आपने सिखाया कि वो भी 5-6 लाख का बिजनेस कैसे करेंगे। ऐसे 10 टीमें, एग्जाम्पल मैं 5,00,000 का ही पकड़ के चलता हूँ, तो ऐसी 10 टीमें जब 5,00,000 करेंगी दोस्तों तो 50,00,000 का टर्नओवर होता है और 50,00,000 के टर्नओवर में आप 21% पहुंच जाते हो। नीचे वाले लोग कर रहे हैं वो 5,00,000 कर रहे हैं, वो 15% पर हैं, डिफरेंस अभी भी 6% है, लेकिन अभी 50,00,000 का 6%, यानी 3,00,000 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं दोस्तों। ये इनकम सुनने में बड़ी लगती है दोस्तों, लेकिन जब ये टर्नओवर होता है और जब ये इनकम आती है दोस्तों तो बहुत मज़ा आता है। मुझे इस तरह के टर्नओवर को टेस्ट करने का और इनकम को टेस्ट करने का मौका मिला दोस्तों, तभी मैंने सोचा कि सबसे ये वीडियो भी शेयर करूं। उसके बाद भी दोस्तों बहुत सारी तरह के इनकम्स हैं, यहाँ पर लीडरशिप बोनस है, यहाँ पर डेप्थ बोनस है, यहाँ पर अदर इंसेंटिव्स हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, फॉरेन ट्रिप्स हैं। पिछले 6 सालों में आप समझो कि हम 6 या 10 डिफरेंट लोकेशंस को घूम करके आ चुके हैं, पासपोर्ट भर गया दोस्तों, इतना मज़ा आता है। हज़ारों फैमिलीज एमवे लीडरशिप सेमिनार्स में, फॉरेन लोकेशंस में इंजॉय करती हैं, लगता है कितनी बड़ी फैमिली हम लोगों को मिल गई, कितना मज़ा आता है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, लोगों को उनकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आप एक होप दे पाते हो। मैंने इस बिज़नेस के अंदर में आकर के एक बहुत बड़ी फैमिली पाई, मैंने इस बिज़नेस में आकर के अपने जॉब से फ्रीडम पाई, मैंने इस बिज़नेस में आकर के होप पाया और मैंने इस बिज़नेस में आकर के बहुत रिवॉर्ड पाया।
यही है फाउंडर फंडामेंटल्स ऑफ एमवे और यही है जो मैंने पाया। दोस्तों, इस पूरे सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप नोट करोगे तो वो ये है, गौर करो आप इस बात पर, आपका जो एसेट है, आप इमेजिन करो, सपोज आपके पास गांव में कोई खेत होगी, ओके, उस खेत को आपको जोतना नहीं आता, लेकिन अगर वो खेत आपकी संपत्ति है तो आप जोतोगे कि नहीं जोतोगे? जोतोगे ना, या अगर नहीं भी आता तो किससे जुतवाओगे? करेक्ट। अगर आपने एडुकेशन ले लिया है दोस्तों, तो उस एडुकेशन के साथ साथ में उस एडुकेशन को कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे ना, क्योंकि एडुकेशन भी आपकी संपत्ति है। आपका अपना कोई मकान होगा दोस्तों, जो मकान खाली पड़ा होगा उसको आप रेंट पे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? आपकी संपत्ति है दोस्तों। जो भी चीज़ें आपकी संपत्ति होती है दोस्तों, उन संपत्ति को हम लोग ज़रूर इनकैश करते हैं। 21वीं सदी में तमाम बिजनेसेस ने, तमाम वेंचर्स ने ये प्रूव करके दिखा दिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि आपका नेटवर्क आपकी संपत्ति है। अपने नेटवर्क को अगर आप इनकैश नहीं कर रहे हो तो आपके नेटवर्क को कोई और इनकैश करेगा। अपने नेटवर्क का किंग अगर आप नहीं बनोगे तो आपके नेटवर्क में नेटवर्किंग कोई और करके उसका किंग बन जाएगा दोस्तों। ये वही बात हुई कि आपके घर के नीचे अगर आपको मालूम चल जाए कि एक खजाना दबा हुआ है तो आप खोदोगे कि नहीं खोदोगे? खोदोगे ना, ओके। अगर नहीं खोदना आएगा तो क्या करोगे? कहीं ना कहीं से मदद लोगे, उसको खोदवाओगे, करेक्ट। हो सकता है कि फॉल्स न्यूज़ हो, बट फिर भी आप खोदोगे। क्यों? क्योंकि चांस क्यों लेना, एक होप है, एक उम्मीद है, और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो खोदना है। इसी तरह दोस्तों, आपके आसपास सोचो, हर एक आदमी की फ़ोन बुक में, हर एक आदमी की फेसबुक में हज़ारों कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये हज़ारों कॉन्टैक्ट्स करोड़ों रुपये की खरीदारी हर महीने कर रहे हैं। इन करोड़ों रुपये से कुछ नहीं तो लाखों रुपये आपके घर को आ सकते हैं। यू कैन बी अ मोर फाइनेंशियली एम्पावर्ड फैमिली। आपके कुछ ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। वो ईएमआई जो आप नहीं दे पा रहे हो, वो जो कार आप खरीदना चाह रहे हो, वो जो ज्वेलरी अपनी वाइफ को आप गिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, वो जो लोन आप चुका नहीं पा रहे हो, वो जो बच्चे की एडुकेशन की फीस है जो देने में कमर टूट जा रही है, वो जो फॉरेन ट्रिप आप बहुत दिनों से पोस्टपोन कर रहे हो जो नहीं कर पा रहे हो, वो पिताजी के जो ट्रीटमेंट में पैसे हैं जो आप नहीं बेयर कर पा रहे हो, वो जो आपका ड्रीम वेंचर है जिसको आप फंड नहीं कर पा रहे हो, वो जो आपके सपने हैं जिनको आप अधूरा छोड़ के बैठे हो, वो जो आपकी खुद की कॉलिंग है, और वो जो समय आप अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने ईश्वर के साथ बिताना चाहते हो, वो नहीं बिता पा रहे हो, दोस्तों ये सब चीज़ें संभव हैं इस एक अपॉर्चुनिटी के अंदर में। मैं आज आपको यहाँ खड़े होकर के कुछ कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूँगा, रादर मैं आपको चैलेंज करूँगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर गट्स हैं आपके अंदर में तो अपने ड्रीम्स को पूरा करके दिखाओ। अपने ड्रीम्स के लिए एक बार दौड़ लगा के तो दिखाओ, क्या होगा, दो बार गिरोगे ही ना, फिर संभल जाना। कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी में, इस ग्रेट 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 फिनोमिनन में जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, गुड नाइट।